सर नमस्कार नमस्कार कमल जी कैसे आपके बढ़िया सर थैंक यू थैंक यू जुड़ने के लिए मेरा नाम कमल किशोर शर्मा है मैं दिल्ली से हूँ इंडिया से जी और वैस, वैसे बेसिकली हरियाणा से हूँ पर दिल्ली में बिजनेस है हमारा कारोबार है आयुर्वेदिक मेडिसिन किस चीज का बिजनेस है, है? आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग बनाते हैं सर तकरीबन ढाई सौ बनाते हैं और हर्बल टी वगैरह भी बनाते हैं अच्छा तो ये अच्छी बात है तो हर्बल टी वगैरह तो सबको पीनी चाहिए ऐसी कोई खास आप कुछ आप प्रोडक्ट बनाते हैं जो आ, काफी बिकती है काफी चलती है और लोगों को पता है इसके बारे में हाँ गुडलक लेमन टी के नाम से हमारा एक प्रोडक्ट है गुडलक लेमन टी अच्छा उसमें सभी वो मतलब उसमें नॉन प्रजर्वेटिव है कोई प्रजर्वेटिव यूज हम लोग नहीं करते हैं पूरा हर्बल बेस्ड वो है और उसके टेस्ट से काफी लोग उसको पसंद करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर भी है वो एक बढ़िया जी जी आपको डिटॉक्स भी करता है अभी जस्ट उस प्रोडक्ट को लेकर के कनाडा में एग्जीबिशन हैं दो एक मॉन्ट्रियल में है एक आपका मिसी सागा में है गुड तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ <laughs> ओ गुड 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 अच्छा अच्छा यहाँ पर स्कोप है, है. आ, बताएं आपने कैसे आप बताएं आपने कैसे याद किया इमिग्रेशन के अलावा आप आप कुछ आपने मैसेज भेजा था कि आपको कुछ सवाल पूछने ऐसे जो सवालों के जवाब आपको मिले नहीं या कोई अनयूजअल सवाल है वो बताएं वो क्या वो क्या चक्कर है हाँ मेरी क्यूरिस्टी काफ़ी है सर कनाडा के बारे में क्योंकि कनाडा बहुत लोग यहाँ से इंडिया से माइग्रेट कर रहे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पहले कनाडा जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए उसके बारे में जी तो जी। आपके बारे में मैंने सर काफी वीडियोज आपकी देखी हैं उसमें काफी मुझे नॉलेज मिलती रहती है <laughs> जैसा कि आप पहले मेरे ख्याल से अमेरिका में भी, भी काफी रहे हैं शायद अमेरिका में भी कई साल रहे हैं जी मैं अमेरिका रहा हूँ करीब बारह साल और और अमेरिका के बाद फिर मैंने कनाडा की तरफ रुख कर लिया क्योंकि हमारे यहाँ परिवार के लोग कुछ रहते थे पहले तो उन्होंने कनाडा बुला लिया सो 12 साल करीब करीब अमेरिका में मैं रहा हूँ कैलिफोर्निया सैनोजे कैलिफोर्निया जो यू एस में रहे हैं उन्हें पता है कैलिफोर्निया में सैनोजे बे एरिया जो है वहाँ पर और आ, Uh, करीब पंद्रह साल ये ईयर uh, है हमारा कनाडा में सो टोटल सत्ताईस तो सर कोई चीज आप जो कैलिफोर्निया और यहाँ अमेरिका और यहाँ में आप डिफरेंस कोई पाते हैं कोई मिस करते हो ऐसी चीज की आपको वहां बढ़िया मिली और इधर कनाडा में उस चीज का अभाव है या उस चीज को मिस करते हो अमेरिका अमेरिका और कनाडा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन कुछ ऐसे फर्क हैं जो हम मिस जरूर करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो है वेदर अमेरिका में इतनी ठंड नहीं पड़ती कनाडा में ठंड बहुत पड़ती है हर जगह ठंड पड़ती है कुछ एरियाज हैं कनाडा के जहाँ ठंड नहीं पड़ती लेकिन मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस हैव वेरी कोल्ड जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ अल्बर्टा में तो यहाँ पर माइनस पंद्रह माइनस सोलह तो आम है अभी पिछले दो हफ्ते पहले भी यहाँ माइनस भी गया है माइनस भी गया है तो यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है अमेरिका में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। दूसरी अमेरिका में पॉपुलेशन ज्यादा है अमेरिका की पॉपुलेशन करीब करीब मेरे ख्याल है कि आई एम किसी या तीन सौ नब्बे मिलियन होनी चाहिए जबकि कैनेडा की पॉपुलेशन है करीब छत्तीस या अट्ठाईस मिलियन मतलब दस टेन टाइम्स का फर्क है और और इससे वहाँ वहाँ पर अमेरिका में जो बिजनेस है कॉमर्स है वो ज्यादा है थोड़ा और कैनेडा में इतना कम है Uh, तीसरा सबसे बड़ा एक और वो है कि जो कनेडियन इकॉनमी है uh, वो अमेरिका की इकॉनमी से काफ़ी कम है एज यू साइड द पॉपुलेशन एंड और भी जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है सिलिकॉन वैली अमेरिका में है और यहाँ पर ऐसी सिलिकॉन वैली तो है नहीं कोर्स थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन इतना नहीं है Uh, जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो कनाडा का वो अमेरिका से बिल्कुल ही फ़र्क है और यहाँ पर इतना इतनी एक्टिविटी नहीं जितनी वहाँ पर है तो ये सब तो uh, उसमें थोड़े से अंतर है बाकी सोसाइटी रहना सहना खाना पीना कल्चर मोरलेस सेम है बाकी छोटे छोटे फ़र्क और हो सकते हैं जैसे अमेरिका में गन uh, कल्चर या कोई क्राइम रेट या इस तरह का थोड़ा सा ज़्यादा है कैंडा में इतना नहीं है uh, बाकी बाकी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई भी मुल्क इतना क्लोज़ नहीं है जितना अमेरिका और कैनेडा है अमेरिका और कैनेडा एक दूसरे के भाई जैसे हम कहते हैं चोर चोर मसेरे भाई तो नहीं मैं कहता हूँ लेकिन ये मसेरे भाई हैं और जो कैनेडा में होता है वो अमेरिका में होता है जो अमेरिका में होता है वो कैनेडा फॉलो कर लेता है टिपिकली दे आर वेरी वेल कनेक्टेड तो हमारा जो बॉर्डर लगता है बीच में वो बॉर्डर में भी कोई वहां पर कोई गार्ड नहीं खड़ा कुछ नहीं है ओपन बॉर्डर है ओपन मतलबा line और, और तो में तो काफी ठंड पड़ती है तो अल्बर्टा क्यों आपने चूज किया ये सवाल आपने अच्छा पूछा अल्बर्टा चूज इसलिए किया क्योंकि मेरे जो आ, उस जमाने में जो मेरे वाइफ के जो जो मौसी थी यहाँ पर वो रहती थी और हम लोग सोच रहे थे कि कनाडा जाने के लिए तो वो यहीं पर रहती थी यहाँ पर आई थी एक्चुअली वो वैनकूवर से यहाँ पर आई थी और उनके उनके यहाँ रहते हुए तो हम, हमारे जो आपको पता है कि ससुराल वालों की तरफ से ऐसा हुआ कि जहाँ मौसी रहती है वहाँ जाएँ तो अलबट हम ऐसे आए और आपने सही कहा कि बहुत सारे इमिग्रेंट जो होते हैं जो इंडिया से आते हैं

अगर प्रोविंस मेरे ख्याल से आप कनाडा में दस प्रोविंस हैं और तीन शायद हैं तो ए, मतलब एज ए स्टूडेंट यदि हम देखें कि जैसे मेरा लड़का है मेरी बिटिया है उनको मुझे एज ए स्टूडेंट भेजना है तो भेजना चाहिए आप क्या प्रेफर करेंगे स्टूडेंट जैसे मैं उनको भेजना चाहूँगा तो 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 क्वेश्चन को रिपीट करें थोड़ा सा बीच में कट गया एज ए स्टूडेंट मैं पूछना चाहूंगा जैसे 10 प्रोविंस हैं आपके कनाडा में 10 प्रोविंस हैं और तीन टेरिटरीज हैं टोटल yeah. तो एज ए स्टूडेंट एक इंडियंस के लिए मतलब कौन सा प्रोविंस बेटर रहेगा कि भाई उसको आ, आ, वो अपने आप को एकोमोडेट वहां पे इजीली कर ले ये सवाल ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं लेकिन इसका जो इसका जो आंसर इतना इतना सिंपल नहीं है वो वजह उसकी ये है कि स्टूडेंट का जो मकसद है पी लेना हर एक हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पर कनाडा में आता है वो ये सोचता है कि मैं पीआर कब बनूँगा पीआर बन के आगे सिटीजन कब बनूँगा तो उनका ये होता है कि कोई प्रोविंस ऐसी मिल जाए जहाँ जल्दी से सस्ते और किफ़ायती तरीके से और जल्दी जल्दी मैं पीआर बन जाऊँ तो कुछ प्रोविंस में कुछ क्या मेरे ख्याल है कि बहुत ही प्रोविसेज़ में ऐसे हैं कि अगर आप उस प्रोविंस से पढ़ के निकले हो और वहाँ से पढ़ाई करते हो और वहाँ पर जॉब करते हो जॉब ऑफर है तो आपको एक नॉमिनेशन जल्दी मिल जाएगी तो हर जगह ऐसा है तो एक तो वो फैक्टर है दूसरा फैक्टर ये है कि आपको देखना है कि जॉब्स कहाँ मिलेंगी जैसे कि ओंटारियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से करीब अस्सी प्लस स्टूडेंट्स सिर्फ ओंटारियो में उतरता है टोरोंटो एरिया में तो लेकिन वो आते तो ज़रूर हैं क्योंकि वहाँ पर कॉलेज बहुत है लेकिन वहाँ पर नौकरी इतनी नहीं मिलती तो इधर उधर भागते हैं पहले अलबर्टा आते थे अब जहाँ नौकरी मिलती है वो जाते हैं तो, तो फैक्टर तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें नंबर वन फैक्टर इसके जॉब्स हैं कि नहीं है वहाँ पर जॉब्स क्या हैं नौकरी कैसे मिलेगी तो ये तो नंबर वन फैक्टर है स्टूडेंट को देखना चाहिए दूसरा है कि हमें पढ़ाई क्या करनी है उस पढ़ाई करने के लिए वो उस तरह का कॉलेज उस तरह की यूनिवर्सिटी वहाँ पर है कि नहीं है जैसे कि टोरंटो में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं और कॉलेज भी बहुत हैं तो वहाँ पर एक चॉइस बहुत है सिलेक्शन करने के लिए लेकिन अगर आपने अगर आप डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल अगर आप मेच्योर कैंडिडेट हैं और अगर आप छोटे छोटे कॉलेज में जाते हैं तो वीज़ा मिलता नहीं मिलेगा नहीं तो आपको उस तरह से अच्छी हायर कोर्स के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी देना पड़ेगी तो सिलेक्शन ऑफ़ यूनिवर्सिटी इज़ द मोर इंपॉर्टेंट सेलेक्शन ऑफ़ यूनिवर्सिटी इन कॉलेज इज द मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैन दैन एनी प्रोवेंस तीसरी चीज़ य है कि जहाँ से भी आप पढ़ेंगे इट डज़ नॉट मैटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मोर लेस सेम चाहे तो आप बड़े शहर से पढ़, पढ़ के निकलें या गाँव से पढ़ के निकलें छोटे छोटे प्रोविंस हैं नोवेस्ट कोशिया में हैं कोई प्रिंस एडवर्ड आयलैंड जा रहा है कोई इवन यूकॉन जा रहा है uh, कहीं से भी आप पढ़ के निकलेंगे आपका जो वर्क परमिट का जो प्रावधान है वो सेम ही है और आपको जॉब आप कहीं भी कर सकते हो तो आप मान के चलें जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट है जैसे एग्जाम्पल लिया सॉफ्टवेयर जिसने आई से कोर्स किया हुआ है इंडिया ने अगर वो यूकॉन से पढ़ के निकलता है उसके पास दो साल की डिप्लोमा आ, उसके पास है और उसके उसको तीन साल का वर्क पर मिलता है तो अगर उसको नौकरी, नौकरी मिलती है तो वो वैनकुवर में नौकरी कर सकता है आपको जरूरी नहीं यूकॉन में जॉब तो नहीं मिलेगी आईटी टी की तो कहीं भी जा सकते हैं तो घूम फिर के बात ही आती है कि आप प्रोविंस को छोड़ें कि कहाँ आपका प्रॉमिस अच्छा नहीं है आप इस पर देखें कि आपका करियर कहाँ बनेगा जहाँ से आपको एक सस्ते में अच्छे किफ़ायती तरीके से आपको डिप्लोमा मिलके आपको जॉब मिल जहाँ मिलेगी वहाँ पर सोचें बाकी अगर आपका कोई आ, आ, जो बैकग्राउंड अगर जनरल है तो, तो, तो इट डज़ नॉट मैटर आप कहीं भी पढ़ इट अल्टीमेटली आपको पीआर तो मिलेगी क्योंकि आप जॉब करेंगे और जॉब के बाद एक्सपीरियंस होगा तो आप पी कर लेंगे तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम इस प्रोविंस जाएंगे वहां जल्दी होगा वहां फास्ट होगा इट हार्डली मैटर्स नॉट नॉट अ डिफरेंस ऑफ फ्यू मंथ्स मैटर और जैसे मैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखूं एज ए इंडियन एज ए इंडियन अगर नॉर्थ इंडियन बेसिकली एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में देखूं तो किस प्रोविंस में प्रेफर करना चाहिए कि भाई उसमें हम अपने बिजनेस को सही तरीके से ग्रोथ कर सकें लेकर के जा सकें सर जी बात यही है ना कि वो हर एक प्रोविंस सेम ही है हर एक प्रोविंस हर एक प्रोविंस में कोई बड़े शहर भी हैं कोई छोटे शहर भी हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का काम होगा तो आपको कहाँ रुकना है कोई बड़े शहर के बीच में डाउनटाउन में आपका बिजनेस लगाना है या अगर उससे सौ किलोमीटर दूर लगाना है सो आपको अपने आप ही सर्वे करना पड़ेगा बाकी जो अदर यू नो द क्राइटेरिया इज कि अगर उनके पास नॉमिनेशन सिस्टम है तो नॉमिनेशन में जहां पर अगर आप बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ ज़्यादा पैसा चाहिए बाहर जाओगे तो कम पैसे में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है आ, बाकी जो सामान पे डिपेंड करता है कि क्या बिकना है आपके ग्राहक हैं कि नहीं है उसके लिए आपको खुद यहाँ पर एक बार आना चाहिए देखना चाहिए लोगों से मिलना चाहिए मार्केट को असेसमेंट करना चाहिए जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूँ इंडिया के एग्ज़ाम्पल दूँ अगर मैं अगर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ हिसार का रहने वाला हूँ और मेरे को दुकान खोलनी है तो मैं दिल्ली में आके कनॉल प्लेस में दुकान खोलूँ या कुरुक्षेत्र में दुकान खोल लूँ या चेन्नई में दुकान खोल लूँ कहीं भी यू नो जहाँ पर मेरे को पता ही नहीं है मैं कभी रहा नहीं है तो उसके लिए आके सर्वे करने के लिए आपको उस जगह में जाना ज़रूरी है बहुत सारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स एंड ऑनटरप्रनर्स मेरे को जब कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि जी आप मेरा बिज़नेस प्लान बना दो और मेरा आज ही फाइल अप्लाई कर दो मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं है पहले आप खुद तो आके देखो जब आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या है कैसे ग्राहक हैं कितना टैक्स है कितना पेरोल है कितना लाइसेंसिंग फीस है और कैसे आपकी सेल होगी तो आपको कैसे आप लगा लोगे आप दिल्ली से बैठे बैठे आप चेन्नई में कैसे फैक्ट्री लगा लोगे चेन्नई जाए बगैर उसी तरीके से ये विदेश का मामला है पहले आप आओ स्टडी करो अपना अपना यहाँ पर चेक करो अपने आप अपनी आंखों से देखो और फिर डिसाइड करो सिंपल डिसीजन मतलब यू हैव टू स्पेंड टाइम इन कैनेडा फर्स्ट ऑन देन डिसाइड के कहां पर हमें जाना चाहिए right, right. बहुत सारे जैसे फार्मिंग के लोग भी किसान बहुत सारे की कनेडा के पीछे पागल हुए पड़े कि जी इधर की जमीन बेच करके उधर जमीन ले लेंगे वहां पे हम खेती करेंगे बहुत सस्ती जमीने मिलती हैं उसकी फार्मिंग बहुत बढ़िया है तो उनके लिए कोई आप सुजेशन कुछ बताएंगे कि भाई उनको क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए सर जी ये तो चक्कर जो है ना ये आने जाने का चक्कर है जो फार्मिंग का ये है तो ये तो बहुत सालों से चल रहा है पिछले सौ सालों से आ, सौ साल क्या मेरे ख्याल शायद नाइनटीन जीरो या 1905 से पंजाबी जो इमाइ्रेशन हो रही है कनाडा में सो so, उस जमाने में भी लोग खेती बड़ा करते थे आज भी काफ़ी खेती प्रधान है और लोग आते हैं और सोचते हैं कि अपनी जमीन बेच देंगे पंजाब हरियाणा में और यहाँ कर आप कुछ कर लेंगे वो ठीक है आ, खेती वहाँ की कुछ और है यहाँ की कुछ और है अगर आपके पास पैसा है और दिमाग है और स्किल है और आपके पास कोई बिजनेस प्लान है तो आप यहाँ पर भी आके जमीन खरीद के आप अपना ईवन पी आरली क्वालिफाई कर सकते हो लेकिन वही बात है ना कि जिस जिस इंसान को पता नहीं कि यहाँ पर खेती कैसे होती है जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि जो हमारे जो खेती के जो इलाके हैं कैनेडा में वो जैसे जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में है जहाँ पर स्ट्रॉबेरी उगाते हैं ब्लू ब्लूबेरी ब्लू को उगाते हैं ब्लू छोटी छोटी होती है जो नीले रंग की ये उगाते हैं अब इसका एक्सपीरियंस इंडिया में किसको है पंजाब में हाँ पंजाब में जिसके पास पांच किले जमीन है या दस किले है जितने भी है उनको उनको अगर कोई कंसल्टेंट फंसा देगा कि जी आप जाके वहां पर खेत ले लेना कर देना आपका मैं बिजनेस प्लान बना दूंगा तो उसे पता ही नहीं है कि कौन कौन से क्रॉप उगाने हैं यहाँ पर क्रॉप की क्या वैल्यू है और जमीन कितने की आएगी उसका बिज़नेस प्लान क्या है कैसे उसको बेचना है कितना उसमें आ, उसमें जो आ, खाद वगैरह चलनी है क्या उसका क्लाइमेटिक कंडीशन है जब तक आपको नॉलेज ही नहीं है तो वो बिजनेस प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा और पी भी नहीं मिल पाएगी सो so, इस करके जिसको जो करना है पहले आके एक बार यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा विजटर वीज़ा लगा के एक बार देख जाओ और उसके बाद कोई डिसाइड करना चाहिए सो इट इज़ नॉट दैट ईजी अब जैसे मेरे सूबे में जैसे आ, अल्बर्टा में एक यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें अगर आप अगर आप फार्मर हैं इंडिया के फार्मर हैं कहीं के भी फार्मर हैं चाइना के भी, कहीं के भी फार्मर हैं अगर आप यहाँ पर पांच लाख डॉलर लगाते हैं मतलब जमीन खरीदते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपना बिजनेस प्लान देख के कर सकते हो इंटरव्यू लेंगे आपका तो अगर अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो आपको पास कर देंगे तो आप पांच लाख डॉलर बन गए इंडिया के तीन करोड़ रुपया करीब करीब अब तीन करोड़ रुपया किसके पास है वाइट पानी वहां पर सबके पास पैसे तो हैं वहाँ पर लेकिन कागज़ में शो कौन करेगा कई बार मेरे को किसान कॉल करते हैं वो कहते हैं जी हमारा इन्वेस्टमेंट कर दो मैं कहता हूँ कि आप दिखाओ अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दिखाओ वो कहता है वो क्या होती है जी हमें तो पता ही नहीं वो हो क्या होती है मैंने कहा फिर वो तो जी हमारे जी हमारे जी वो फ़ादर के नाम पर ज़मीन है जी मेरे पास जी जे फॉर्म है जी हम तो उसको कर जा रहे हैं जी हम शो कर देते हैं बस और ही कुछ नहीं है तो मैंने कहा जमीन भी आपके पास नहीं है जे फॉर्म भी आपके पास नहीं है पैसा भी आपने फसल कुछ और है शो कुछ और कर रखी है तो तीन करोड़ आप अगर ऑफिशियली पैसा कहाँ जाता मतलब है, तो बहुत बड़ा हो है। तो ये कई बार ये लोग सोचते हैं नहीं जी हम दिखा देंगे जी कोई आपको तीन दिखाना ही है जी मैं हैं दिखाना नहीं है पैसे खर्च करने है आपको तो करोड़ मिनिमम है ये मिनिमम अगर पांच अब मेरे को जमीनों की कीमत पता नहीं लेकिन पांच लाख डॉलर में कोई बहुत बड़े यहाँ पर इतनी मैं नहीं समझता कि दस एकड़ भी आएंगे यहाँ पर तो मे बी बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड टू इट मेरा अंदाजा है कि उस, उसने भी नहीं आएंगे आ, तो uh, लोग समझते हैं कि जी तीन करोड़ बहुत है अगर तीन करोड़ होते तो हम तो यहीं बैठे रहते हैं मगर बैठे रहो फिर तो क्या क्या प्रॉब्लम है तो इस करके जो कंसल्टेंट ने और इमिग्रेशन लॉयर्स ने और जो अखबारों में ऐड देते हैं जी खुल गया खुल गया खुल गया, खुल गया जी फॉरन वीजा खुल गया तो वो सही बातें बताते नहीं हैं वो तो वो अगले जमीन के जमीन के अलावा उनको वहां पे बहुत सारी मशीनें वगैरह वो भी खरीदनी पड़ेंगे तो काम कराओगे तो तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको सर जी बहुत बातें हैं बहुत बातें हैं सिर्फ पैसा ही नहीं है यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा ठंड है आप कौन सा काम करोगे अगर आप डेयरी फार्मिंग करनी है अगर आपको मुर्गी पालन करना है अगर आपको शहद का पालन करना है जो वो जो बी वाला बी कल्चर क्या कहते हैं उसको उसका करना है उसकी कंडीशंस क्या है उसका प्लानिंग क्या है कहां से सामान खरीदोगे कितना उसमें टाइम लगेगा कहाँ पर आपके पास फैसिलिटीज है फार्म में रहेगा कौन है लेबर कौन है लेबर, कौन है, लेबर को तनख्वाह कैसे दोगे फिर उसमें टैक्स लगना है वो कौन देगा फिर आपके पास अगर जब तक आपकी क्रॉप बिकेगी नहीं एक आठ साल तक तब तक आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है मैं समझता हूँ कम से कम मैं समझता हूं कम से कम आप अगर आपके पास चार पांच करोड़ नहीं है तो इसमें हाथ डालना आपका हाथ जल जाएगा बहुत बुरी तरह तो और ये सब करने के लिए आपको सिर्फ पैसा ही नहीं है आपको एक्सपीरियंस चाहिए पुराना फिर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू आप कर लेंगे आपसे पूछेंगे बताओ जी कैसे आप उगाओगे कहाँ पर आपने जमीन खरीदी है जी आप बताओ किससे जमीन खरीदी आपने जमीन खरीदने कितना एडवांस दिया आपने फिर जमीन खरीदने के बाद अगला स्टेप क्या है जी आपने कहा से रॉ मटेरियल खरीदोगे उसके सप्लायर का नाम बताओ जी किसने तो आ, वो आप इंटरव्यू में आप खड़े ही नहीं हो सकते आप मतलब कि आप टिक ही नहीं सकते इंटरव्यू में तो ये तो ये सब काम ये सब काम मैं अगर आपको कुछ कहूं तो बना ना माना ये सब गरीब किसानों के बात की नहीं है ये बात ये किसान जिसको हम किसान कहते हैं यहाँ पर तो वो किसान हम बात कर रहे हैं जो यूरोप में किसानी कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में किसानी कर रहे हैं जो चाइना में किसानी कर रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में यूरोप में भी जहा पर किसान काम कर रहे हैं वो किसान ऐसे हैं जिनके पास दस दस हजार एकड़ की जमीन है मतलब कि इतनी जमीन इतनी जमीन है उनके पास और इतनी खेती हो रही है कि वे हेलीकॉप्टर से ऊपर खाद फेंकते हैं ऊपर से इनके पास इतना टाइम नहीं है कि नीचे जाए ऊपर से हवाई जहाज से वो फेंकते हैं और उनके पास बड़े बड़े कंबाइन लगे हुए हैं उससे वो फसल काटते हैं तो उनका जो टर्नओवर है उनका जो सेल है जो जो साल की जो सेल वाला है उनकी सेल तो करोड़ों में है करोड़ों मतलब कि पंद्रह करोड़ पचास करोड़ की सेल है हर एक साल की दैट इज द रेंज वी आर टॉकिंग अबाउट इस तरह के किसानों को वो कहते हैं हाँ, हाँ आपके पास अगर अगर आपको कनाडा में रहना है तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है आप दो तीन करोड़ ऐसी फेंक दोगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है पैसा भी है कैपिटल भी है एक, स्किल भी है एक जज्बा भी है और एक क्लाइमेटिक uh, कंडीशन भी सूट कर रही हैं तो उनकी एप्लीकेशन झट पास हो जाएगी अब हमारे जो कंट्री में जो हमारे कंट्री में आपको पता ना एक हमारा इंडिया में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं बीमारू जो जो हमारे जो कमजोर जो तबके के जो लोग हैं मतलब कि जिनके पास वैसे ही खाने को नहीं है तो उनको एक लालच दिखा देते हैं कंसल्ट के जाओ जी कनाडा वीजा लग जाएगा आपका तो ऐसे थोड़ी लग पाएगा अपने इंडियंस में अपने में भी ये क्रेज होता है कि भाग लो, एक तरफ भाग लो, तो अपने ये क्रेज खाली अपने इंडियंस में ही कनाडा भाग लो या और भी जो डेवलप्ड कंट्री है वहां से भी लोग आ रहे हैं स्टूडेंट आ रहे हैं कनाडा में ये अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये क्रेज सारी दुनिया में है एक इंग्लिश की कहावत आपने सुनी होगी द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड दूसरे का खेत हमेशा थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वहाँ पर हरा हरी हरा भरा लगता है तो हमें लगता है कि वहाँ के लोग अच्छे हैं जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो सोचते हैं बेंगलोर वाले अच्छे हैं बेंगलोर वाले जो कह रहे हैं दिल्ली में अच्छे हैं दिल्ली वाले सोच रहे हैं कसौली हिमाचल में अच्छे हैं हिमाचल में गया तो वहाँ कहते हैं यहाँ तो जी हमें तो परेशानी बहुत है तो हम आप तो दूर से आगे परेशानी हर एक इंसान को लगता है कि दूसरा आदमी अच्छा है इसी इसी लॉजिक को लेकर जो किसी भी कंट्री में अभी यहाँ पर जो लोग आते हैं ज़्यादा आते हैं चाइना से इंडिया से फिलीपींस से नाइजीरिया अमेरिका और भी बहुत छोटी छोटी कंट्री है यू कैन चेक ऑन गूगल तो यहाँ से हर एक दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर चार लाख करीब हम यहाँ पर साल के इमिग्रेंट्स लेते हैं तो कनाडा को हमें इमिग्रेंट्स चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन हमारी कम है हमारे बच्चे यहाँ पैदा ज़्यादा होते नहीं है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन है और पॉपुलेशन वैसे ही कम है तो हमें पॉपुलेशन को मेटेन करने के लिए हमें बाहर से बंदे लेने ही पड़ते हैं अब आपने कभी सुना कि इंडिया की पॉपुलेशन कम हो रही है तो बाहर से बंदे ले आओ बच्चे पैदा करने के लिए तो वहाँ तो इंडिया से तो वैसे ही पॉपुलेशन बहुत है तो वहाँ इंडिया को जरूरत ही नहीं है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमें पॉपुलेशन को एक लेवल पर रखने के लिए बाहर के इमिग्रेंट्स हमें लाने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर सीनियर्स भी फिर वो जो जो हैं आगे उनकी भी वो है उनकी भी वर्किंग कैपेसिटी नहीं है वो आगे रिटायर्ड हो गए तो आगे हमें यंग ब, यंग बच्चे चाहिए जो यहाँ पर काम करें और इसकी इकोनॉमी को ग्रो करें सारी दुनिया के लोग यहाँ पर क्यों आते हैं क्योंकि जो लोग सताए हुए हैं कहीं पर जिसके पास दाना पानी नहीं है वो आएंगे जरूर आपने कभी सोचा कभी देखा आपने कि आप दिल्ली में हो दिल्ली में जो आई ऑफिसर है आईपीएस ऑफिसर है क्या वो क्या वो सोचता है कैनेडा जाने के लिए नहीं पीछे मैंने एक वीडियो में देख रहा था उसमें कोई एक्शन थे वो इधर से वहां गए

सेंट्रल सर्विसेज है इवन और उससे भी छोटी सरकारी नौकरी है जिसका जिसकी रोजी रोटी चल रही अच्छी है और जो जिसके पाँव लगे हुए हैं वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा जो लोग बाहर जाते हैं मैं क्योंकि मेरा तो रोज का काम है मैं रोज तरह तरह के लोगों से आ, मेरा राबता होता है जो लोग बाहर जाने के लिए कॉल करते हैं और जो लोग बाहर जाने के लिए एप्लीकेशन करते हैं वो अपनी जिंदगी से परेशान हुए बैठे हुए हैं अब परेशानी अब परेशानी आर्थिक हो सकती है पैसे की परेशानी हो सकती है नौकरी की परेशानी हो सकती है सामाजिक परेशानी हो सकती है किसी के पास घर में कलेश हो सकता है कोई डिवोर्स लेके भागने की कोशिश कर रहा है कोई किसी का जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है तो वो करता है तू नालायक है चल तो कनाडा भेज देता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में जैसे हवा हवा ख़राब है वो कहते हैं जी पोल्यूशन बहुत है जी मेरे बच्चे को आ, वो ना हो जाए अस्थमा ना हो जाए इसको बाहर भेज दे तो तरह तरह की वजह है इससे लोग अपने बच्चों को या खुद अपने आप को बाहर भेजने के चक्कर में है बाहर क्या कहीं भी कैनेडा हो अमेरिका हो स्विट्जरलैंड यू नो वे इंग्लैंड जहाँ भी इमिग्रेशन मिलती है वहाँ वो कहते हैं बाहर चले जाओ तो, तो, तो मेजॉरिटी तो ऑफ ट्रेंड है मैं मैं आ रहा हूँ पंजाब पे आ रहा हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेंट्स है मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेंट्स है धंधे पानी के लिए बाहर जाते हैं अगर दिल्ली में एक इंसान अगर कोई नौकरी कर रहा है जिसकी तनख्वाह पचास हजार रुपए लाख रुपए है तो वो क्या किराया देगा वो क्या अपने घर का खर्चा चलाएगा और क्या आगे सेविंग करेगा तो वो सोचता है भाई चल इससे अच्छा तो पैक करके अपना बाहर निकल लो बाहर देखेंगे क्योंकि बाहर की एक थोड़ी सी चमक भी है टीवी पे और यूट्यूब पे दिख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग कार चला रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहने और फिर वो कई इमिग्रेंट्स आते हैं एयरपोर्ट पे जब आते हैं तो सोने की चैने पहने होते हैं अच्छे अच्छे इंग्लिश में बात करते हैं वो लोग सोचते हैं अरे बंदा तो हमारे साथ था हमारे साथ में गया ये इंग्लिश कैसे बोलने लग गया और इसके बाद इतने पैसे कहाँ से आ गए तो वो कहते हैं सबके पास पैसे होंगे तो हम भी चलते हैं इस तरह से लोग बाहर जाना शुरू करते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं अब वो जब वो कनाडा में आएंगे तब वो अच्छे होंगे नहीं होंगे तो ये तो फ्यूचर बताएगा लेकिन इस वजह से वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं जहां तक आपने पंजाब की बात करी पंजाब का जो एक इतिहास है पिछले जैसे मैंने बताया सौ सवा सौ साल से लोग वहां से जा रहे हैं ये आज आज की बात नहीं है ये उन्नीस है पता नहीं उन्नीस है उस वक़्त जब काफी पंजाबी वहां पर जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे उस जम उस जमाने में तब एक आ, एक वहां से आ, आ, वो हुआ था एक जैसे क्वीन विक्टोरिया थी पता नहीं क्या नाम था एक जुबली थी डायमंड जुबली थी 1897 में अब सोचो 1897 में जब वो पंडित नेहरू और मोतीलाल नेहरू उस जमाने में वो आंदोलन कर रहे थे उस टाइम से जो पहले पंजाबी हैं वहाँ एक हांगकांग का एक मिलिट्री दस्ता था उसमें एक क्वीन विक्टोरिया ने इनको बुलाया था और अगले साल आई एम सॉरी उसके दो तीन साल शायद 1902 में किंग एडवर्ड थे उस वक्त एडवर्ड साथ उनका एक कॉरोनेशन था एक राज राज अभिषेक था तो उसमें जो ब्रिटिश आर्मी को बुलाया गया था कि वहाँ पर परेड करने के लिए तो सबसे पहले जो पंजाबी लोग हैं इस तरीके से पहले विदेश गए और जब विदेश गए तो जहाँ पर इंग्लैंड पहुंचे जब इंग्लैंड से वापस आ रहे थे वो कनाडा से होते हुए आए जब उन्होंने कनाडा को देखा तो वो हैरान रह गए क्योंकि जब वो जिस हिसाब से वो इंडिया में पहले रहते थे और जब इंडिया में भुखमरी थी या पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी वो तो कनाडा को देख के उन्हें लगा तो ये तो स्वर्ग है यहाँ पर जहाँ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने को भी बहुत है और ओपन लैंड है और खुला लैंड है खेतियाँ वहाँ करते थे यहाँ भी कर सकते हैं इस तरीके से पहला जो है आना जाना शुरू हुआ उसके बाद फिर बहुत सारे वो स्टेजेस आए एक शिप थी कोमागाटा मारू तो वो भी आई उसमें पहले जो थे वो शिप में भर के आए वहाँ से कैलकटा से तो वहां पर उनको नहीं हुआ नहीं सबको नहीं लिया तो वापस भेज दिया तो इस तरह से सिस्टम चलता रहा धीरे 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 करते करते धीरे धीरे आना शुरू हुआ जैसे गंगोत्री से वो एक एक बूंद करके गंगा बनती है निकलती है ऐसे एक एक बूंद करके फिर ये बड़ी बड़ी एक रिवर बननी शुरू हो गई कि कैसे लोग आना शुरू हो गए तो ये जितने भी पुरानी जनरेशन के पंजाबी वहां पर गए हुए हैं जिन्होंने उस जमाने में और उनके उनके पोते परपोते आगे आज जो बैठे हुए हैं पुरानी प्रॉपर्टीज लेकर और पुराने करके उसके बेस पे चेन रिएक्शन है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दूसरे को स्पॉन्सर करते हैं ऐसे आते हैं अब पंजाब में भी देख लो अब जिस गांव में जैसे लोग गए हुए हैं आ, वहां पर चाहे तो वर्कर के उससे गया हुआ है चाहे स्टूडेंट के बेस पे गया हुआ है तो वो घरों में बात करते हैं उसके बारे में और दूसरे जो पड़ोसी हैं वो सुनते हैं कि उसका बेटा गया इसका बेटा गया मैं गया वो गया उसकी फोटो देखते हैं व्हाट्सऐप पर देखते हैं वो कहते हैं मैं भी जाऊंगा इस तरह से ये चेन रिएक्शन चलता है करीब 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 इसके बारे में कई वीडियोस भी मैंने बनाए हैं बनाई है करीब करीब दो लाख सिर्फ स्टूडेंट बाकी तो इमिग्रेंट्स की बात ही करते हैं सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट दो लाख स्टूडेंट करीब करीब इंडिया से हर एक साल कैनेडा जाता है हर एक साल और आउट ऑफ दिस दो लाख करीब एक लाख आधा तो पंजाब और हरियाणा की बेल्ट का है मतलब कि आपके जो दिल्ली के नॉर्थ की बेल्ट है उससे एक लाख स्टूडेंट हर एक साल सिर्फ कैनेडा जा रहा है अभी हमने अमेरिका की बात नहीं करी ऑस्ट्रेलिया की सिंगापुर दुबई ये सब की बात नहीं करी सिर्फ कनाडा की बात कर रहे हैं तो ये सारे लोग जा रहे हैं देखा देखी जा रहे हैं क्योंकि पंजाब में नौकरी उन्हें समझ नहीं आती नौकरी मिलने वाली नहीं है एजुकेशन का स्टैंडर्ड समझ नहीं आता राजनीतिक प्रॉब्लम भी बहुत है फिर नशा भी है और सारे कुल मिला सब कुछ देख वो लोगों को ये लगता है कि भाई हम चाहे कर्जा ले लेंगे हम चाहे जमीन बेच देंगे अपने आप गिरवी कर लेंगे लेकिन बच्चे को कनाडा बाहर भेजना जरूरी है क्योंकि यहाँ तो यहाँ तो मरना ही बाहर जाके अपने पैरों पर शायद खड़ा हो जाए और होते भी हैं कनाडा ही ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है सर जैसे बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा कनाडा कनेडाइज जाते हैं यहाँ के लोग इंडिया के लोग तो कनाडा ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है और भी बाकी कंट्रीज हैं जिसमें वेदर भी बढ़िया है और इकोनॉमी भी अच्छी है जैसे कंट्रीज जैसे जैसे कौन से नाम बोले जैसे दो तीन uh, मत... दो, दो हो सकते हैं एक तो यह है कि हर एक इंसान को लगता है कि हमें पीआर आर कहाँ से मिलेगी पीआर के बाद पासपोर्ट कहाँ से इजी मिलेगा तो अमेरिका में जाते हैं अमेरिका का ब्रांड नेम अच्छा है लेकिन अमेरिका में इस वक्त ग्रीन कार्ड लेना और और उसके बाद वहाँ पर पक्के होना तरीके से जो है उससे बहुत बहुत मुश्किल है आ, और भी कंट्री बताइए आपने सिंगापुर दुबई है यहाँ पर आपको पासपोर्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है दुबई में तो पॉसिबल ही नहीं है सिंगापुर में भी बहुत मुश्किल है आजकल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पीआर लेना बहुत मुश्किल है यूरोप में भी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ पर भी इमिग्रेशन लेना बहुत मुश्किल है इंग्लैंड में भी इतना वो नहीं है ईजी वहाँ पर पहले आप अच्छे पढ़ोगे करोगे बहुत तो अभी सारी कंट्रीज में जो लोगों का एक परसेप्शन है जो लोगों का एक व्यू है कि के कनाडा जो पीआर बांट रहा है कनाडा में मतलब पीआर के लिए ऐसा इज़ दे दे थिंक इट इज़ द इजीएस्ट ऑफ ऑल मतलब कि सबसे इजी उनको लगता है इसलिए कनाडा का नंबर पहले है और दूसरा ये भी हो सकता है कि एक तो जो पुराने लोग गए हैं उनके वहाँ पर साथी गए हैं तो उनसे भी उनको एक फीडबैक मिलता रहता है अब अब पंजाब से कितने लोग स्विट्जरलैंड गए हैं जर्मनी गए हैं, बहुत लोग नहीं गए हैं। और तो इसलिए वहाँ से कोई फीडबैक मिलता नहीं है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में जो लोग बैठे हैं स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वहाँ के वो हालात बताते रहते हैं कि यहाँ पर पी आर बोलना मुश्किल है अभी जब कोविड हो गया था तो कैनेडा ने पैसे बांटे फ्री दो दो हज़ार डॉलर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया या कुछ और कर दिया तो एक नेगेटिव फीडबैक हो गई सो इस तरह से सारी तरफ सर्वे कर करने के बाद उन्हें लगता है कि भाई कैनेडा इस वो जो हमारा जो जो एक पंजाबी का एक ड्रीम है जो है आ, एक पुरानी कहावत है पर कि हमें जीना है मरना है अगर मरना है तो कैनेडा में मौत वो अच्छी है तो सर मैं मतलब मेरे ख्याल से मैं ये समझू कि एक इमोशनल टच हो गया है वहां से कैनेडा से लोगों का जी इमोशनल टच इमोशनल टच भी है और साथ साथ में प्रैक्टिकल सच्चाई भी है कि पीआर मिलना यहाँ पर थोड़ा सा इजी रहा है कुछ सालों से और जैसे पिछले साल भी 2021 में भी जितने भी स्टूडेंट्स है, आए हैं वो पक्के हो गए उनको बहुत लो मार्क्स में लो ग्रे जो पॉइंट्स में एक्सप्रेस एंटी में पक्के हो गए और स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं क्योंकि पहले ही बहुत से ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो पुराने इमिग्रेंट्स हैं तो जॉब भी कहीं ना कहीं से हाथ पैर मार के मिल जाती है और धीरे धीरे -धीर पी का सिस्टम बन जाता है ऑन एन एवरेज जब स्टूडेंट यहाँ आएगा तो टिपिकली विद इन फोर टू फाइव ईयर्स उसको पी आर मिल जाएगी मोर लेस इफ ही इज ओके तो मिल जाएगी अब पूरी दुनिया में मैं नहीं समझता कि और किसी कंट्री में इतनी जल्दी पी आर मिल सकती है uh, ये स्पेशली तो, स्टूडेंट ये स्पेशली स्टूडेंट वो स्टूडेंट नहीं है जो मैंने कई बार इस बार में यूट्यूब वीडियोज बनाई है लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया इस बारे में कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं कैनेडा में वो एक्चुअली स्टूडेंट्स है ही नहीं है नहीं। जो स्टूडेंट्स मैं हाँ एग्जाम्पल मैं देता हूँ जैसे आप दिल्ली में रहते हैं दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी है आई है और अच्छे अच्छे वो है जो आई का जो टॉपर है जो आईआईटी का टॉपर है या डॉक्टर है एम्स का डॉक्टर है वो लोग कनाडा क्यों नहीं जाते वो नहीं जाते कनाडा क्योंकि उनकी वहीं पर सेटिंग इंडिया में हो सकती है तो जो बड़े बड़े जो होशियार और बड़े बड़े स्कॉलर हैं जो इंडिया के जैसे जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉपर हैं किसी भी यूनिवर्सिटी आई आई वगैरह के जो टॉपर हैं वो कभी भी कनाडा अमेरिका धक्के नहीं खाते हाँ जाते हैं अपनी मर्जी से जब उनको नौकरी मिल जाएगी वो पढ़ाई के लिए नहीं जाते जो लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं वो स्टूडेंट नहीं है क्योंकि उनकी इंटेंशन एक बहाना है स्टूडेंट तो एक बहाना होता है उनको उनका निशाना तो है कि पी बनना है तो कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप पढ़ने क्यों आए जैसे अगर आपने बारहवीं कर ली पंजाब से हरियाणा से कहीं बारहवीं कर ली उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं किसी ने हॉस्पिटैलिटी ले, ले लिया किसने चाइल्ड केयर ले लिया ऐसा कुछ छोटे मोटे ले लिया तो यहाँ पर आके पढ़ते हैं जबकि उन्हें पता है कि इसका कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं है इनका वो बहाने से स्टडी वीज़ा लग जाएगा उसके बाद कोई दूसरी जॉब करके फिर उसके बाद वो पी आर पी आर बन जाएंगे तो इस तरह से अगर उनको कोई बोले कि भाई आपको हॉस्पिटैलिटी पढ़ना था तो अब इंडिया में पढ़ लेते इंडिया में यूनिवर्सिटी नहीं है कॉलेज नहीं है वो कहते हैं यहाँ नहीं पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा कैनेडा में पढ़ेंगे तो उसका उनका इशारा ये है है कि हमें पीआर बनना तो ये बात है सारी तो फिर भी इतने सारे लोग मेरे हिसाब से इंडिया से एक हिस्टोरिकल माइग्रेशन हो रहा है बहुत सारे अभी तो कोविड के बाद से इतना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है यहाँ से लोग बच्चे भी जाना चाहते हैं बड़े भी हम जैसे लोग भी ये सोचते हैं कि यार बिजनेस को वहां पे करें तो आप यदि आप तो देखिए वहां काफी टाइम से रहते हैं आप हर चीज के बारे में जानते हैं तो आप आज से यदि बीस साल बाद की मैं पिक्चर देखू कैनेडा की एज ए इंडियन भाई इंडियंस का वहां पे कितना बड़ा रोल होगा कितने सारे लोग रहेंगे और एक मिनी इंडिया क्या मैं उसको एक मिनी इंडिया मानने लग जाऊं कि भाई बीस साल बाद आज से बीस साल बाद वहां पे एक मिनी इंडिया बन जाएगा आई डोंट नो की आई डोंट नो कि, कि मिनी इंडिया क्या किसको कहते हैं लेकिन इंडिया जो कनाडा की पॉपुलेशन है इस वक्त करीब जैसे मैंने बताया 28 मिलियन है तो 28 मिलियन में करीब करीब एक मिलियन या डेढ़ मिलियन इंडियंस होंगे इंडियन औरिजिन के लोग होंगे और अभी वो मिनी इंडिया कहने की जरूरत नहीं है मिनी इंडिया अगर आपको देखना है तो आपको दुबई जाना पड़ेगा आपको सिंगापुर जाना पड़ेगा वहाँ इंडियंस ज़्यादा हैं एज अ परसेंटेज तो मिनी इंडिया तो पता नहीं कंपनी बनेगा लेकिन हर एक शहर में छोटे छोटे से इंडियन मार्केट और इंडियन कॉन्क्लेव हैं जहाँ पर इंडियन लोग ज़्यादा रहते हैं तो उसके हिसाब से आपको इंडियन कल्चर मिलता है बाकी जो यहाँ पर प्रोग्रेस है इंडियंस की वो तो काफ़ी है यहाँ पर इस वक्त जो हमारी जो पार्लियामेंट है कनाडा की पार्लियामेंट में मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब करीब 18 से 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हमारे पंजाबी पंजाबी ओरिजिन के जो लोग हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप अगर आप इंडिया इंडिया की पार्लियामेंट देख लें भारत भारत की जो संसद देख लें उसमें पंजाबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं है तो आपके सामने ही आ गया कि जो जितने जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके इंडिया के पार्लियामेंट में नहीं है उससे जादा, उससे ज्यादा ज्यादा हमारे एम जो है हमारे कैनेडा में है जो हमारे इंडियन ऑरिजन के हैं तो इससे आपको आपको पता लग जाएगा कि हमारी इंडियन जो कम्युनिटी है कितनी एक्टिव है पॉलिटिकली कितनी सक्रिय है और यहाँ पर आगे कितनी प्रोग्रेसिवली वो तरक्की करते हैं तो इस हिसाब से थोड़ा सा यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हम जा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी बसी हुई है बाकी मिनी इंडिया बनेगा नहीं बनेगा आई के नॉट से पर ये इमिग्रेशन का चक्कर चलता रहेगा कनाडा में जैसे मैंने आपको बताया कि करीब करीब चार लाख इमिग्रेंट्स हमें हर एक साल चाहिए अगर हम इतने इमिग्रेंट्स नहीं बुलाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन नीचे चली जाएगी तो ये जो सिलसिला ये मेरे लाइफ टाइम में अगले बीस पच्चीस साल तो ये चलता ही रहेगा उसके बाद पता नहीं क्या होगा वी डोंट नो तो जैसे आप सबसे ज्यादा मिस क्या करते हो जैसे कनाडा में रह करके भी अभी इंडिया के बारे में सबसे ज्यादा मिस क्या करते हो हो कि ये ये चीजें यार कास मुझे यहां भी मिल जाती <laughs> तो फिर स्वर्ग ही जाता नहीं देखिए बहुत ये अच्छा सवाल आपने पूछा मिस तो मैं मैं बहुत करता हूँ इंडिया को क्योंकि जो इंसान जहां पर पैदा हुआ है ना उस मिट्टी को मिस करेगा करेगा जैसे आप छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लो कई अमेरिकन और कैनेडियंस और ब्रिटिश लोग जो है वो अमेरिका में पैदा हुए लेकिन अमेरिका लेकिन इंडिया में रह रहे हैं और हमेशा अपने मदर लैंड को तो मिस करोगे जहाँ पर आपने खेले कूदे हो आपने वहाँ की मिट्टी से आप पैदा हुए वहाँ के स्कूल गए हो गली कुछों में खेले हो तो उसको आप हमेशा मिस करोगे सो वी आर वी आर नॉट वी आर नॉट एनी डिफरेंट जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं जब वो पी बन जाते हैं या पी बनने की उसमें सिचुएशन में होते हैं हमेशा उनके मन में होता है कि हम अपने गाँव जाएँ अपने माता पिता से मिलें दादा दादी से मिलें लोगों को मिलें और जाके उसी चीज़ को दोबारा करें क्योंकि उनके पास अब पी आर हो चु हो चुकी है उनके पास दो पैसे हैं जा सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं जो पहले एंजॉय नहीं कर रहे थे तो हमेशा एक याद होती है अब जहाँ तक मेरी बात है आ, मेरे को तो बहुत इंडिया की बातें रोज याद आती हैं यहाँ पर बैठे बैठे भी कनाडा में बैठे बैठे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार रोज पढ़ता हूँ जो लोग मैंने जब मैं इंडिया आता हूँ मैंने मैंने देखा लोग वहाँ अखबार पढ़ते ही नहीं है क्योंकि उन्हें पढ़ने वो ने कहा सब बकवास है कोई नहीं राजनीति की अगर ना पढ़ गया तो यहाँ पर क्योंकि जितनी आप दूर बैठे होते हो तो आपको एक क्यूरियासिटी होती है कि पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है केजरीवाल क्या कर रहा है जी आम आदमी पार्टी क्या कर रही है जी यहाँ पर वहाँ पर कितना टैक्स लग गया जी वहाँ पर पोल्यूशन कितना हो गया जी हम बहुत पढ़ते हैं हम इसको फॉलो करते हैं इंडिया का खाना बहुत हम मिस करते हैं जहाँ पर दिल्ली में मैं मेरे को याद है कि पहाड़गंज में हम छोले भटूरे खाने जाते थे वहां पर खड़े होके तो वो बात मतलब कि कि वो जो एक सिस्टम है चलते चलते आप तो तो में तो स्ट्रीट फूड वगैरह कल्चर होगा नहीं मेरे ख्याल से कनाडा में तो स्ट्रीट फूड तो है नहीं मैंने देखा नहीं और रेस्टोरेंट्स में आप खा सकते हो लेकिन वो बात नहीं है आपको रेस्टोरेंट में अगर आप छोले कुलचे और 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 गोलगप्पे खाने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के धीरे धीरे खाओगे तो वो बात नहीं आएगी ना तो जो एक जो एक गंदी जो एक गंदी गंदी गलियों में जहाँ मच्छर मक्खी घूम रहे हैं वहां पर कुलचे के ऊपर आपने घी डाला तेल गिर रहा है वहां पर और वो और वो खा रहे हो आप खड़े खड़े वहां पर वो केले खा रहे हो केले का छिड़का नीचे फेंक रहे हो लोग फिसल रहे गिर रहे हैं वो एक एक साइट और एक मजा एक अलग चीज है तो आ, आ, जो बेसिक चीज है जो जमीन से जुड़ी चीजें हैं उसको जरूर मिस करते हैं तो वहाँ के जो इवन दो एवरी थिंग इज बिंग रेप्लीकेटेड ये वो मतलब सब चीज लाने की यहाँ कोशिश करते हैं लेकिन आबो हवा फर्क है वो चीज वो कभी नहीं आ सकती अब जैसे खाने पीने का जितना सामान है जो जैसे मर्जी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है लेकिन वो जो एक इंसान दिल्ली में घूम रहा है जिसको पसीना आया जिसको प्यास लगी है वो खड़े होकर एक नींबू पानी पी रहा है वो तो आप कनाडा में कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते वो उसका स्वाद उसका सुख कभी आ नहीं सकता तो ये सब बातें बातें मिस करते हैं सभी जो फ्रूट्स यहाँ मिलते हैं वहाँ पे आपके सभी फ्रूट्स इसी तरह मिलते हैं सभी फ्रूट नहीं नहीं ऐसी, नहीं ऐसा नहीं है सभी फ्रूट्स तो नहीं मिलते हैं लखनऊ का दशहरी आम कैसे मिल जाएगा यहाँ पर मिल ही नहीं सकता जो वहाँ के जो जो, जो वहाँ का जो वहाँ के जो अलाहाबादी अमरूद हैं वो कैसे मिल जाएंगे यहाँ पर आ, जो वहाँ के जो शरीफा है और और ऐसी ऐसी चीज मतलब जो चीजें हैं जो स्वाद है उस चीज में जो वहाँ का रसीला टमाटर है वो यहाँ कैसे मिल जाएगा वो सब पाते क्योंकि हमारे यहाँ कैनेडा की बात करें तो कैनेडा में तो इतनी खेती होनी है सब बाहर से लाना पड़ता है तो वो वो चीज़ें तो अच्छी है चमकती हैं क्योंकि बेचना है लेकिन वो वो अंदर से फोकी है उसमें वो रस नहीं है और रस होगा भी तो वो खाने का वो एक एक भूख नहीं है क्योंकि जैसे मोस्ट ऑफ द वर्क हियर इज ऑफिस टाइप जॉब है जहाँ पर भूख आपको इतनी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है और आपको इतना वो जब तक इतनी भूख ना हो तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा खड़े खड़े जैसे आप नॉर्थ वेस्ट में चल रहे हो घूम रहे हो आप थके हो बसों के धक्के खा रहे हो और खड़े होकर आपने अगर एक आ, आ, जो एक फ्रूट चाट ही खा ली आपने खड़े खड़े आपने देखा हो ना कि मेरे को तो अब ये सब बातें याद आती है ना कि आप आप कनॉट प्लेस में घूम रहे हो कहीं पर आप वो जगह जगह पे वो फ्रूट चाट भी बिक रही है उस पर मक्खी भी बैठी है मसाला भी मसाला भी डालना है और गंदे गंदे हाथों से उसको नींबू भी डाल रहे हैं लेकिन उसी को खा के लोग मस्त हो रहे हैं कढ़ी चावल बिकता है चावल, बिल्कुल ठीक है चालीस चालीस रुपए की प्लेट में कड़ी चावल है वो वो प्लेट शायद धुली ना हो पता नहीं दस दिन से धुली ना हो चम्मच भी प्लास्टिक का हो पता नहीं किसने साफ किया नहीं लेकिन उसी उसी गंदे उसी गंदी प्लेट में गंदे चम्मच से और मक्खी भी बैठी है उसी कड़ी चावल को मैंने खुद खाया पिछले साल और मेरे को खाने में वो स्वाद आया जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में स्वाद नहीं आता तो ये सब ये ये सब बातें हम लोग मिस करते हैं मैं यहाँ इंडिया में देखता हूँ जैसे कुछ जैसे बेंगलोर टिफिन कल्चर भी चलता है जैसे जो लोग या स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं जो घर में नहीं बना सकते या घर से घर के घर वालों के साथ नहीं रहते हैं। तो टिफिन कल्चर चलता है जैसे ऑफिस में टिफिन पहुंचा दिया स्टूडेंट तो आपके वहां पे कनाडा में ये चीज पॉसिबल नहीं है या है या ही नहीं या हो ही नहीं सकती या कोई करना नहीं चाहता है टिफिन कल्चर मेरे को पता नहीं मैंने तो टिफिन कल्चर ऐसा कोई देखा नहीं है और आ... आ, uh, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है जितनी पॉपुलेशन आपकी दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है दिल्ली दिल्ली गाजियाबाद फरीदाबाद की पॉपुलेशन कितनी है ढाई करोड़ के आसपास ढाई करोड़ विच इज अबाउट टू पॉइंट फाइव मिलियन आई थिंक ढाई करोड़ कितना हुआ हाँ, लगभग इतना ही हुआ हुआ ने ने, मुझे पता नहीं।, नहीं मुझे करना नहीं आता नहीं, नहीं, एक मिलियन में छह जीरो आप मेरे मेरा मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से एंड आई मे बी रॉन्ग जितनी पॉपुलेशन आपकी दिल्ली फरीदाबाद गाज़ियाबाद नोएडा की है उससे उससे कम पॉपुलेशन पूरे कनाडा की है आप देख आप देख लो हमारा एरिया कितना है और आप उसमें कितने लोग उसमें हैं तो इट ऑल चक्कर चक्कर ये है कि ये पॉपुलेशन का जो ये प्रेशर है सारा पॉपुलेशन के प्रेशर से होता है कि कितनी इकोनॉमिक स्ट्रगल में लोग जी रहे हैं किसके पास कितने पैसे हैं कितने एंजॉय कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इसके हिसाब से वो सारी एक्टिविटी चलती है और और ऐसी कोई बात नहीं अब यहाँ पर जैसे आपने कहा कि फ़ूड डिलीवरी का जो सिस्टम है इतनी पॉपुलेशन हमारी है नहीं है कि ऐसा कोई फूड डिलीवरी का बिजनेस करे मैंने तो कभी देखा नहीं है क्योंकि मैंने भी यहाँ पर कनाडा में आ, कम से कम आ, चार पाँच साल मैंने नौकरी करी है आ, मतलब कि नौकरी किसी की नौकरी करी ऑफिस जाता था शाम को आता था तो मैंने तो ऐसा कोई सिस्टम देखा नहीं है फूड डिलीवरी का आ, उसके बाद आजकल जो छोटे छोटे ऐप बन गए हैं ऊबर ऐप्स वगैरह बन गए हैं तो आप खाना मंगा सकते हैं लेकिन वो बात नहीं है Yeah, हाँ वो वो बात वो ऐसी नहीं है कि आपको अंदर से वो एक मे बी आई एम आई एम टू पैट्रियाटिक मेरे पास मतलब वो क्या अल्फाज नहीं है कहने के लिए कि उसकी वो फीलिंग नहीं है फीलिंग नहीं है मतलब कि अब जैसे जैसे अब चाट है समोसा है कचौड़ी है जो है अगर आपने दिल्ली में चलते चलते अगर आप चांदनी चौक से चल रहे हो आप थके हुए हो पसीना आपको आ रहा है सामान गिर रहा है हाथों से चलते चलते गरम गरम कढ़ाई में समोसे निकल देखे आपने और उसको आप खा रहे हैं और उसने भी समोसे को उस उस अखबार के कागज में दिया जो अखबार के कागज में से वो काली स्याही निकल रही है तो उसके हाथ भी काले हैं उसी हिसाब से उसने नोट ले ली उसी हिसाब से चटनी डाल दी उसी हिसाब से उसने जलेबी को उठा के हाथ में दिया वो गंदे गंदे जलेबी गंदे गंदे समोसे आप खा रहे हैं आपको भी भूख लगी है आपको जो वो कनेक्शन है ना कि उस भूख में परेशानी में आप गरम गरम समोसा खा रहे हो और बाहर धुआं चल रहा है और गाड़ी भी निकल रही है लोग धक्के मार रहे हैं वो सब खाने का जो एक माहौल है वो आपको किसी भी कंट्री में आ नहीं सकता आप बड़ी बड़ी कंट्री में जाओगे चाहे आप सिंगापुर जाओ चाहे दुबई जाओ चाहे अमेरिका जाओ चाहे स्विट्जरलैंड जाओ आपको इंडियन रेस्टोरेंट में वो सब समोसा मिलेगा लेकिन वहाँ पर समोसे के लिए आपको आ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा बैरा आपको लेके जाएगा आप आप एयर कंडीशन उसमें बैठे हो और समोसा प्लेट में आ रहा है और इतनी बड़ी प्लेट में छोड़ा वो खाने का जो एक कनेक्शन है ना वो आपको जिस आप मिट्टी से आए वो खाने का कनेक्शन आपको उसी चीज़ का स्वाद वो नहीं ला पाएगा समझ रहे हैं बात मेरी अपनी फिर भी इतने लोग मतलब देखिए आप भी भी मिस मिस करते करते हो और लोग नहीं आते इंडिया में। ही ये मीठी जेल कहते हैं इसको, मतलब जेल है लेकिन मिठास है अंदर जिसमें आ, मतलब आप जेल में आप जैसे एक सोने का पिंजरा है और तोता कहता है हम तो पिंजरे में बैठना है ठीक उसको लेकिन सोना है इसमें खाना पीना मिल रहा है तो दो बातें जरूर है इसमें एक बार एक बार जब यहाँ पर लोग आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ के आदी हो जाते हैं यहाँ पर यहाँ की जैसे हवा साफ़ है और थोड़ा सा करप्शन की प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा सा बिजली पानी चलता रहता है उसमें बिजली कट नहीं होती ऐसे थोड़ी सहूलियत है, हैं थोड़ी फैसिलिटीज़ मैं मानता हूँ कि ये ज़्यादा जो है वो हम लोग को आराम आरामदायक टाइप बना देती हैं तो हम इसकी आदत हो जाती है और उसके बाद तो इंग्लिश वाला बोलने लग जाते हैं लोग अनपढ़ से अनपढ़ लोग इंग्लिश में बोलने लग जाते हैं तो वो जब वो इंडिया जाते हैं दो साल तीन साल बाद तो फिर उनको एक अजीब लगता है कि ये कोई ये ये कंट्री वही है जहाँ से हम आए हैं इसमें तो वो वहाँ पर वो सेटल नहीं हो पाते कई लोग अमेरिका से और बड़े बड़े ऑन्टरप्रेनर्स गए जो उन्होंने कहा कि बैंगलोर में फैक्ट्री लगाएंगे करेंगे लेकिन कुछ सालों बाद वो वापस फिर आ गए क्योंकि वहाँ पर उनके करप्शन नहीं उस सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पाए तो नंबर वन कारण तो एक है दूसरा कारण मैं समझता हूँ कि जब यहाँ जब आप यहाँ पर रहते हैं जब यंग उसमें आते हैं जैसे स्टूडेंट आए उसके बाद शादी करते हैं बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे यहाँ पर पैदा हो जाते हैं तो यहाँ के यहाँ के कल्चर में रल मिल जाते हैं तो उन्हें भारत कल्चर के क्या पता उन्हें क्या पता भारत क्या होता है जो वैदिक इतिहास है और पुराने के इतिहास है महाभारत रामायण उन्हें क्या पता देर उनके यहाँ पर जब उनकी जनरेशन जब आगे बदल जाएगी तो वो पेरेंट्स बच्चों के चक्कर में यहाँ पर फंसे जाएंगे वो अगर चाहेंगे भी तो वो वापस नहीं जा पाएंगे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न तो आगे आगे वो जनरेशन चेंज हो जाएगी तो इस वजह से जा नहीं पाते हैं जाएँगे लेकिन घूम फिर के फिर वापस आ जाएंगे तो वो वो ही है ये जो एक सोने का पिंजरा है इसमें अगर आप सोने के पिंजरे में अगर आप एक तोते को रख दोगे और तोते को अच्छा खाना पीने खिलाओगे और उसको और ये एक्सपेरिमेंट हुआ है एक्चुअली और उसको सारी जो उसकी सहूलियत दे दोगे तो पिंजड़े में रहता हुआ तोता उसका आदि हो जाएगा अगर आपने पिंजड़े का दरवाजा खोल भी दिया तो तोता जाएगा घूम फिर के फिर लौट के पिंजड़े में आ जाएगा हम्म मैं मैं थोड़ा सा वहाँ के स्कोप के बारे में बात करना चाहूंगा जैसे दो तीन चीजों के बारे में मेरी क्यूरियसिटी काफी है जैसे मैं सोचता हूँ कि ट्रकिंग का बिजनेस वहां पे इंडियंस को काफी सूट करता है अपने पंजाबी भाइयों को तो ज्यादातर सूट करता है बहुत सारे लोग वहां पे एज ए ड्राइवर भी हैं ड्राइवर बन करके बाद में उन्होंने बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर लिया बहुत बढ़िया तो क्या ये मतलब सच्चाई के बिल्कुल नजदीक है कि भाई इंडियंस वहां पे जाकर के ट्रकिंग बिजनेस में काफी अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है ऐसी बात नहीं दुनिया में एक्चुअली बहुत चीजें जो है एक एक सरफेस पे कोई एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग चलती है नीचे रियलिटी कुछ और होती है हाँ मैं मानता हूँ कि ट्रकिंग बिजनेस में पंजाबी बहुत हैं Uh, कितनी परसेंटेज है कहना मुश्किल है लेकिन जितना भी ट्रकिंग बिज़नेस कनाडा में है उसमें पंजाब के लोग ज़्यादा हैं उसकी वजह कुछ और है आ, पर यह जरूरी नहीं है कि हर एक को ट्रकिंग बिजनेस सूट कर जाए uh, ट्रकिंग बिजनेस इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस इसमें एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं इसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं बारह बारह घंटे अगर आप ट्रक चलाओगे तो आपकी स्पाइन भी हिल जाएगी और और उनको डायबिटीज़ ओबिसिटी ये सब होगा तो लेकिन जिन लोगों ने ट्रकिंग का बिज़नेस किया है अगर वो इंडिया में भी ट्रकिंग का काम करते अगर वो इस तरह का मैनुअल लेबर टाइप अगर वो ड्राइविंग वगैरह करते रहते थे करते थे उस वक्त ज़माने में तो उनको वो सूट कर गया क्योंकि उनके वही पता है और डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशन उनकी एजुकेशन कितनी है और उन्हें कोई जॉब मिली नहीं मिली और उनका क्या कोई सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ तो हार के वो ट्रकिंग पे आ गए या ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस टैक्सी बिजनेस है जिस तरह इस तरह के बिज़नेस में आ गए तो डिपेंडिंग के उनको सूट कर गया तो जिन्होंने जैसे पंजाब में जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है कोई मेडिकल की डिग्री नहीं है कोई प्रोफेशनल एम नहीं है तो हार के उन्होंने ट्रक चलाया और ट्रक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हर एक काम एक अपनी रिस्पेक्ट ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई काम छोटा है बड़ा है दे ऑल मच सेम इन इसलिए रूल्स बने हुए हैं रूल्स को फॉलो करोगे यू विल मेक मनी और जिस जिस ट्रक ड्राइवर को पंजाब में या ऑल ओवर इंडिया में चालीस पचास हजार रुपए की कमाई होती थी उसकी कमाई यहाँ पर डॉलर में है तो उसकी कमाई यहाँ पर दस गुना और बढ़ जाएगी मोरलेस लेकिन कई बार आप सोचते हैं कि अभी पिक्चरों में भी दिखाते हैं कि ट्रक चला लीजिए जी अमीर बन गया मिलियनर बन गया करोड़पति बन गए ऐसा नहीं है ट्रक के हर हर एक हर एक के प्रोजन कौन से हैं उसके खर्चे भी हैं और उसके रिस्क भी हैं आपको मतलब के घर से बाहर भी रहना पड़ता है छः छः दिन सात सात दिन मे बी इवन लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन क्या आपका कहाँ जाना है आपको सर्वाइव कैसे करोगे और ये ऐसा नहीं है कि आप ट्रकिंग का बिजनेस सारी उम्र आप करते रहोगे आफ्टर इफ यू आर यंग लेट्स से 20, 35, 30, 40 इयर्स तक करोगे उसके बाद क्या करोगे तो उसके साथ अगर आपके पास पैसा है कैपिटल है तो अपने ट्रक्स लगा सकते हो अपना बिजनेस कर सकते हो सो so, हर एक इंडस्ट्री में प्रोज एंड कॉन्स हैं जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो पूरा दिखता नहीं है मतलब मैं एक कॉन्क्लूजन पे आऊँ तो मैं ये समझू कि मेहनत यहाँ भी है मेहनत वहां भी है लेकिन वहां पे थोड़ा सा उसका रिवार्ड ज्यादा मिलता है उसका बेनिफिट मैं बात इसको आपको निचोड़ निचोड़ दे जैसे नींबू को निचोड़ देता हूँ मैं आपको मैं आपको चलो क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं दिल्ली की बात बता देता हूँ आपको आ, दिल्ली आ, के जो आ, जो माहौल से मैं आपको बताता हूँ कि अगर दिल्ली में किसी का अपना घर है अपना घर है जिसपे लोन नहीं है मॉड नहीं है अपना घर है और उसको करीब करीब डेढ़ दो तो लाख रुपए की कमाई है ठीक है दो बातें उसको कनाडा में किसी भी कंट्री में धक्के खाने की कदर जरूरत नहीं है mm अब -hmm. बहुत सारे मेरे को प्रोफेशनल्स कॉल करते हैं जो एफ बी एस है सॉफ्टवेयर है जिनको कॉल सेंटर में बीपीएस में काम करते हैं उनकी डेढ़ दो लाख रुपए की तनख्वाह आम है आजकल मेरे ख्याल उनको मिल जाती है और अगर उनका घर अपना है तो मैंने उनको कईयों को मैंने मना कर दिया कि आप कैनेडा मत आओ आपकी अगर हाँ आपको अगर बिना पैसे खर्च किए हुए अगर आपको जॉब ऑफर मिलती है तो आप जरूर आओ यहाँ पर जॉब करके देखो इट्स अ गुड आइडिया टू गेट सम एक्सपोजर उसके बाद अगर right. आपको जॉब में अगर आपको सूट आता है तो आप फिर फिर डिसीजन लेना लेकिन अभी इस वक्त लाखों रुपए खर्च करके स्टडी वीज़ा लेना या जो पीआर के लिए किसी के लिए जॉब ऑफ़र के लिए पैसे खर्च करने ये सब ये सब बकवासबाजी है इससे कुछ नहीं होने वाला तो आप जहां बैठे हो अच्छी बात है अगर आपके पास पैसे ही हैं देखिए ना ऐसा है कि अगर आपके पास डेढ़ सौ तो लाख रुपए की कमाई है महीने की और घर भी आपके पास है कुछ पैसे भी जुड़े हुए हैं तो आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करो वेस्टर्न वीजा अप्लाई करो कंट्री घूम के आओ पहले आप कनाडा जाओ अमेरिका जाओ जहां भी जाना है आपको जाओ पहले कंट्री देख कर आओ और उसके बाद कोई ऑब्जर्वेशन जो आपकी पक्की हो जाए उसके बाद डिसीजन लेना पहले ही से ऐसा नहीं कि आपने एजेंटों को पैसे देके अपने पैसे खराब कर लेना कनाडा के बारे में मैं एक बात करूं तो मैंने कई बार सुना है कि वहां पे हेल्थ केयर का बड़ा बुरा हाल है मतलब आपको काफी लंबी क्यू में लगना पड़ता है आपको अपॉइंटमेंट काफी लेट मिलती है तो रीजन क्या है वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी या नर्सिंग की कमी या हॉस्पिटल्स की कमी या मिस अरेजमेंट या कुछ मैनेज इस तरह ये मतलब इश्यू क्या है इससे ओवरकम कैसे हो सकते हैं वहां पे जी ये अच्छी बात आपने क ये अच्छी बात आपने पॉइंट uh, रेज़ किया ये काफ़ी इमिग्रेशन लॉयर्स ए कंसल्टेंट्स आपको बताते नहीं किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाओगे कि पीआर फाइल कर दो इस बारे में कभी बात नहीं करेगा ना शायद उन्हें पता भी ना हो रियलिटी रियलिटी यहाँ की जैसे मैंने बताया प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के यहाँ पर हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो यूनिवर्सल एक्सेस सिस्टम है डैट मीन्स के हर एक सिटीज़न और पी को एक राइट right है कि भी किसी के पास डॉक्टर के पास जा ज, जब जाएगा तो उसे पैसे नहीं देना पड़ेगा क्योंकि पैसा हमारे हम टैक्स देते हैं टैक्स भी बहुत देते हैं हम यहाँ तो तो उसके हिसाब से वो सारी फंडिंग होती है उसकी तो क्योंकि ये फ्री है और उसके हिसाब से हर एक इंसान एक लाइन में लगा हुआ है अगर आपको जैसे डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलिटी कौन सा ऑपरेशन कराना क्या कराना जैसे बहुत सारा गूगल पे आप सर्च कर लेना जो जैसे किसी की कि अगर कूला टूट जाए जिसको हिप हिप सर्जरी कहते हैं तो हिप सर्जरी आज अगर मेरी टूटेगी तो हो सकता है मेरा ऑपरेशन का टाइम तीन साल बाद चार साल बाद आए क्योंकि हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं है इतने स्पेशलिस्ट नहीं है सर्जन उसको ठीक कर सके और क्योंकि वो फ्री है चक्कर है ना कि बात यह फ्री ये सप्लाई एंड डिमांड की इकोनॉमिक्स है क्योंकि वो फ्री है हमें पैसा नहीं पे करना है इसलिए आ, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसको ज्यादा पैसे देकर मैं अपना अपॉइंटमेंट पहले करवा लू अब जैसे दिल्ली में अगर मेरे पास अगर कोई अगर मेरे को ऑपरेशन कराना है तो जहां पर अगर मेरे को आज कराना है तो अगर मैं ज्यादा पैसे देकर किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता हूँ करा तो वहां पर पैसा पैसे के हिसाब से वो मार्केट इकोनॉमिक्स जैसी बनी हुई है कि बेस्ड ऑन मनी आप आप कहीं भी डॉक्टर जा सकते हो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर ऐसा है कि तरीका हमारा ये है कि अगर आ, अगर मेरे को कोई सर्जरी करानी है तो पहले पहले दो लेयर है उसकी एक जैसे एक जनरल प्रैक्टिशियन है जिसको जनरल फिजिशियन वॉक इन फिजिशियन कहते हैं तो पहले मैं वहां जाऊँगा मैं उसको दिखाऊंगा वो कहेगा हाँ ठीक है आपको ये सर्जरी की रिकमेंडेड है आपको सर्जरी करनी है तो आगे वो रेफर कर देगा तो ये ऐसा तो है नहीं कि जो कूले वाले जो स्पेशलिस्ट हैं इतने सारे होंगे पूरे हमारे सूबे में क्योंकि ये सूबे वाइज चलता है हमारी अलबटा में इतने सारे तो नहीं होंगे तो जितने भी होंगे तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से जो करवाना है तो दे विल ऑलवेज भी आ, लेस देन द अमाउंट ऑफ के जो सर्जरीज वेटिंग कर रही हैं तो हमारा नंबर ही उनका उनका नंबर ही इतने साल बाद आएगा तो वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम बहुत है ऐसा ये नहीं कि सिर्फ इसका ही है बहुत सारी सर्जरीज हैं तो उसमें वेटिंग टाइम हमारा ज़्यादा है ये प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सरकार कैसे दूर करेगी मेरे को नहीं पता कैसे दूर करेगी लेकिन ये हमारा जो मार्केट इकोनमी से कनेक्टेड नहीं है इस दिस इज़ वन ऑफ द चीफ प्रॉब्लम कई लोग यहाँ पर जो ऐसे आ, मैंने सुनने भी आया है देखा भी है और लोगों ने बताया है कि उनको उन्होंने सर्जरी करानी थी और तो वो बाहर की कंट्री में फ्लाई करके गए वहाँ से इमीजिएटली सर्जरी करा के आ गए मैं आपको एक अपने ही एक जानने वाले का एक बता देता हूँ एक एग्जाम्पल उससे शायद आपको क्लियर हो जाए उनको आ, उनको वो हो गया था जिसको कहते हैं आपको हेमरॉय क्या कहते हैं उसको हिंदी हिंदी में कुछ क्या कहते है हैं हेमरोइड्स को हिंदी में जो जो आते हैं पीछे क्या कहते हैं आ, कुछ

तो वहाँ पर जब उनकी कॉल आई उनके स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन छः महीने बाद होगा जी तो वो कहगा मैं तो आज मर रहा हूँ मैं आज छः महीने वेटिंग कर तो दो दिन बाद मेरे को पता चला कि वो फ्लाई करके इंडिया चला गया इंडिया में दिल्ली करा के दिल्ली से पता नहीं कहाँ से कराया उसने और वो एक हफ़्ते बाद करा के आ भी गया तो ये ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी आ, हमारी वेटिंग टाइम की क्योंकि ये फ्री है इसलिए वहाँ वेटिंग टाइम जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स और और डॉक्टर हैं या मतलब प्राइवेट प्राइवेट तो जैसे तो इसका भी नंबर ऑफ डॉक्टर्स कैसे कैसे बढ़ पाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन कम है और दूसरा मेडिकल कॉलेज हमारे इतने ज्यादा नहीं है और एडमिशन करना मेडिकल कॉलेज का इतना आसान नहीं है क्योंकि तो उसका स्टैंडर्ड बड़ा हाई रखा है और और एक और बात है कि महंगी बहुत पढ़ाई है आ, टिपिकली यहाँ पर करीब आठ से नौ साल लगते हैं मेडिकल कॉलेज से निकलते डॉक्टर बनने के लिए और आ, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ माय आई मे बी रॉन्ग एक्चुअली मैं समझता हूँ कि कम से कम एक से दो मिलियन डॉलर का खर्च होता होगा पूरी पढ़ाई करते करते डॉक्टर बनने में अगर आप सोचो कि इंडिया में अगर किसी का कोई Uh, कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है जैसे आपके दिल्ली में एम्स है या कोई और और भी हैं तो मेरे आप चार साल में पांच साल में डॉक्टर बन जाते हैं और इत, इतना तो ऐसे नहीं कि पाँच दस करोड़ खर्च होंगे अगर आप प्राइवेट पर... में भी एक करोड़ में बन जाता है नहीं प्राइवेट की प्राइवेट तो अगले डोनेशन वाली बात है ना जो रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी फीस तो नहीं चलने वाली ना लाख में बन जाता है वो तो कहां पर कहा लाख और कहां पर अपना तीन चार करोड़ की बात कर रहे तो जमीन आसमान का फर्क है इसलिए मेडिकल कॉलेज में जो यहाँ पर जिस बच्चे को मेडिकल कॉलेज में जाना है तो नंबर वन उसके पास आ, बहुत दिमाग होना चाहिए उसके मार्क्स अच्छे होने चाहिए और उसके क्योंकि एक्सेप्ट अदरवाइज किया नहीं जाएगा और उसके बाद उसका पैसे का चक्कर होना चाहिए पैसा होना चाहिए या तो लोन लेगा तो ये होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए क्योंकि आठ दस साल

ये वांके, सब के जो लोग हैं उनका भी इसमें कुछ रुझान है या नहीं रुझान रुझान हर एक का होता है कि कहीं से भी उनको अगर अगर उनको ट्रीटमेंट अच्छी मिलती है तो वो ट्राई करेंगे और कई मैंने देखा पतंजलि का सामान यहाँ बिक रहा है बहुत दुकानों पे तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन की आपको लाइसेंस मिलता है आपकी जो हर्बल जी बना रहे हो अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप सामान बेच सकते हैं लेकिन आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी लोगों को पता चलेगा और इट मे टेक सम टाइम बाकी जो ऑर्गेनिक सामान काफी चलता है इन कंट्रीज में जिसमें खाद वगैरह बेसिक उसमें जैसे हर्बल आइटम्स हुए हैं वो बहुत चलते हैं ग्रीन टी जैसे आपने बताया वो भी बहुत चलती है तो उनका स्कोप तो अच्छा है लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम योग और नेचुरोपैथी योग योग में जैसे योग की क्लासेज मैंने सुना है कि यूरोप में अमेरिका में योग की क्लासेस लगती हैं काफी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं पे योग योग, का का अच्छा है। योग योग सिखा लोगों को तो का का अच्छा बिजनेस है अच्छा और योग, योग एक बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स भी हैं और क्लब्स भी हैं यहाँ पर तो वो पैसे ले लेकर दिखा रहे हैं क्योंकि ये सब योग का सिस्टम ये ये एक होते थे पता नहीं उनका नाम हॉट योगा नाम का था विक्रम योगा नाम था उसका था वो कई दस पंद्रह साल से शुरू किया जिन्होंने अमेरिका से तो तब से योग पकड़ गया काम और पीपल आर मेकिंग मनी यस सो दैट्स दैट्स अ गुड गुड वे टू गेट स्टार्टेड अगर कोई योगा इंस्ट्रक्टर है तो अच्छे पैसे बनाएगा यहाँ पर और मैं एक अपने बारे में थोड़ा सा पर्सनल वो पूछना चाहूंगा कि मैंने जैसे हम लोग एक दो प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं आपके सियाल मॉन्ट्रियल में सियाल एग्जीबिशन एक होगा और मिसीसागा में है हलाल वालों का है हलाल वालों का एक फूड एक्सपो है जी तो मैं मैंने पहले ये सोचा था कि मैं बिजनेस डायरेक्ट वहां पे किसी इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के थ्रू जाऊँ या अपने स्टार्टअप वहां पे करूँ लेकिन आपने मुझे एक बार सलाह दी थी लास्ट टाइम पे कि भाई आप पहले यहाँ पे विजिट करो एक्सपो वगैरह में आओ तो मैंने उसी सलाह को आपकी उसी एडवाइस पे फॉलो किया है मैं अभी अप्रैल और मई में डेढ़ महीना वहां पे हूँ टिकट मैंने बुक करवा दिया है और एक्सपो वहाँ से इन्विटेशन मेरे पास में आ जाएगा दो चार दिन में आने वाला है इन्विटेशन भी तो वो मेरा रास्ता ठीक है क्या मैं वहाँ पे ठीक एक ही एक दो प्रोडक्ट को लेकर के जा रहा हूँ सिर्फ मैं ए, हर्बल टी हम लोग बनाते हैं गुडलक लेमन टी के नाम से तो मैं सिर्फ उसी प्रोडक्ट को वहाँ पे डिस्प्ले करूंगा ताकि मुझे वहां का बाजार वहाँ की मार्केट पता लगे कि यहाँ पे इस चीज़ का स्कोप है भी या नहीं। तो वो ठीक है करें तो बढ़िया आपका तो आप वहां पर डिस्प्ले लगाएंगे अपना स्टॉल लगाएंगे हाँ जी हाँ जी अच्छा बूथ पर जैसे वो रेंट फिट हाँ आप लोगों को ये भी बता दें खर्चा कितना है आपका रेंट वेट करने का स्टॉल का मेरा जो तीन दिन का है मिसी में और तीन दिन का है मोन्ट्रियल में तो दोनों का मिलाकर के बूथ वगैरह का खर्चा पड़ा है उसके अलावा मेरा आवाज, आवाज क्लियर नहीं आई आपकी सॉरी आवाज क्लियर नहीं आई क्या कितना छह दिन लाख रुपए पड़ा है छह दिन का या देस देस सम कनेक्शन प्रॉब्लम आई एम सॉरी कैन यू रिपीट दिस अगेन कितना खर्चा है

Uh, एक तो यह है कि जब भी आप किसी कॉन्फ्रेंस uh, एग्जीबिशन में जाएंगे तो वहाँ पर हजारों लोग पास होंगे आपके स्टॉल से सबके पास आपकी वो एक सैम्पल करने का बिजनेस कार्ड लेने का और आपकी वेबसाइट वाला देखने का मौका मिलेगा तो ये नहीं पता लगता कि कौन से किस किस uh, uh, किस uh, पासर बाय जो भी निकलता है उससे आपका कॉन्टैक्ट होता है क्या पता वो डिस्ट्रीब्यूटर हो कैनेडा में क्या पता वो किसी और कंट्री से आया हो क्या पता वो क्या दुकान खोल रहा हो तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई इसका भेद मिलेगा कोई सुराग मिलेगा जिससे कि आप अपना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकोगे तो ये फायदा जरूर होगा और आपको भी पता लगेगा कि और कौन सा सामान वहां बिक रहा है और कैसे वहां पर बिकता है अगर आपको उस तरह की दुकान खोलनी है फैक्ट्री खोलनी है तो उसमें कितना खर्चा आएगा तो आ, मेरे ख्याल बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया कंस्ट्रक्टिव स्टेप है बजाय ये कि किसी को इमिग्रेशन लॉयर को पैसे देना कि मेरा बिजनेस प्लान बना के, के आर्टिफिशियो ये आप अपने हाँ कंपनी ट्रांसफर तो, पे, पे।, पे लेकिन आपने मुझे किया कि नहीं आप इस वे से आओ थोड़ा सा एंट्री करो उसमें आपको मार्केट का भी पता लगेगा तो उसी को फॉलो किया है सारा का सारा क्योंकि मुझे आपकी सलाह मतलब एक तरह से ब्लाइंड फेथ हो गया आपकी सलाह पे क्योंकि आप लोग आप जो है ना बिल्कुल क्लियर कट बात करते हो किसी के मतलब वो बहकाने वाली कोई बात नहीं करते हो तो ये मुझे आपकी सबसे ज्यादा एक बढ़िया बात लगी है जी और दूसरा मैं एक क्वेश्चन उसमें पूछना चाहता था वहां से मुझे दो लोगों का इनविटेशन मिलेगा कि भाई हम दो लोग आ सकते हैं काउंटर पे तो एक तो मैं हो गया क्या मैं दूसरे किसी पर्सन को ला सकता हूँ क्या वो मेरा इम्प्लॉय होना जरूरी है या फिर मैं किसी को भी जो एक एज ए हायर करके कुछ टाइम के लिए वहां पे लेकर के आ सकता हूँ हायर करके ले जाना ले जाए आप अगर आपको ले जाना लेकिन ये है कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाओगे कनाडा में पहुंचोगे तो आपसे पूछेंगे कि आप कौन हो आपके बारे में पता है ये कौन है ये क्या है तो ऐसा ना कोई चक्कर ना पड़ जाए अगर आपको नया आदमी को ले जाओगे तो उसके पास बैकग्राउंड होना चाहिए

प्रोफेशनल मतलब उसको अभी नौकरी स्पेशली देंगे नौकरी ले जाने के लिए कौन होगा मतलब उसको अगर बैकग्राउंड पता है एक्सपीरियंस है तो ठीक है लेकिन वो आ, मेरे हिसाब से तो जो जो इंसान आपके बिजनेस से वाकिफ़ है ऑलरेडी कर रहा है उसको ले जाना ज़्यादा बनता है दूसरा वाइफ का एक और फ़ायदा भी है कि कुछ बातें हैं जो वाइफ देख सकती हैं आप नहीं देख सकते कि रहना कहाँ है कौन से शहर में कितना खर्चा है घर लेना है तो क्या है इन फ्यूचर प्लानिंग करनी है बहुत सारी बातें हैं देख सकती हैं कहाँ पर स्कूलिंग सिस्टम है उठना बैठना लोगों का कैसा है बहुत सारी बातें तो वो सामाजिक दृष्टि से वो देख सकती हैं मैं वहां पे जैसे होटल बुक कराऊंगा तो मुझे डेढ़ डेढ़ महीना में रुकूंगा तो पूरा डेढ़ महीना का मुझे होटल बुक कराना पड़ेगा या फिर मैं किसी जैसे एयरबीएनबी से कोई सस्ते क्योंकि महंगा होटल तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा मुझे तकरीबन मैं देख रहा था तकरीबन आठ हजार रुपये डेली का पड़ेगा जी 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 तो आप पूरा पूरा ना बुक कराएं आप कुछ कुछ दिनों का कर लें एक हफ्ते का कर करें यहाँ जहाँ पर आप पहले उतरेंगे और उसके बाद right. जब आप जब आप कनाडा में रहेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि और सस्ते होटल कहाँ है एयरबीएनबी एन भी कहाँ है खुद आपको मालूम पड़ जाएगा और दूसरी दूसरी जगह जब आप जा रहे हैं तो उसके पास कोई दूसरा होटल होगा तो ऐसे होगा तो आप घूमते फिरते रहें और जरूरी नहीं है कि आपको आ, उसी एरिया में रहना है तो कैनेडा तो बहुत बड़ा है आप जब आपके पास right. टाइम मिले एक हफ्ते का टाइम मिले तो आप घूम के फिर आप वैनकूवर भी जाए या यू नो मे भी सकता हूँ जहाँ भी आपको जाना है आप जा सकते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है

लोग देखना चाहते हैं जो लोग वहाँ मूव करना चाहते हैं चक्कर चक्कर ये है कि इमिग्रेशन तो सभी चाहते हैं ठीक है इमिग्रेशन वीजा तो सभी चाहते हैं सबको ये है, जल्दी जल्दी मेरे को वीजा मिल जाए और मेरा काम जल्दी हो जाए लेकिन कनाडा uh, की जो असली कहानी है उसके जो बैकग्राउंड के क्वेश्चंस हैं आगे क्या होगा पहले क्या था जो बैकग्राउंड हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके बारे में जब तक अगर आप जानेंगे नहीं तो आप सही प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और और मेरे को बड़ी खुशी है कि आप अपनी रिसर्च कर रहे हो और पता कर रहे हो और जो इंसान सवाल पूछेगा वो उसको धोखा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर आप सवाल पूछने में आपका रुचि है आपका यह है कि आप किसी से भी सवाल पूछते हो तो जिस किसी भी जैसे अगर आपको इन फ्यूचर कंपनी बनानी है तो अकाउंटेंट आपको हायर करना पड़ेगा आपको जैसे बिजनेस खरीदना है तो रियल स्टेट लॉयर चाहिए अगर आप किसी के पास भी जाओगे तो उन्हें पता है कि ये इंसान सुलझा हुआ है इसकी ये इसकी नॉलेज है इसको और ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपको जल्दी से जल्दी आपको मतलब ये आपको बेवकूफ़ बनाने में उन्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको बेवकूफ़ बना नहीं पाएंगे और जो इंसान सवाल नहीं पूछता है उसको बड़ी इजीली उसको धोखा कोई ना कोई हो जाता है तो आई अप्रिशिएट कि आप सवाल पूछ रहे हो होमवर्क कर रहे हो इससे आपको बहुत फायदा होगा इन फ्यूचर थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच भगवान करे आप यूं ही लोगों की सेवा करते रहें <laughs> बहुत <laughs> बहुत कम लोग ऐसे होते हैं तो जो सही गाइडेंस देते हैं और गाइडेंस अपने आप में अनमोल होती है उसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता है क्योंकि एक जरा सी जरा सा गलत पॉइंट आदमी को कहीं से कहीं भी लेकर के जा सकता है जी आपने मुझे इतनी बढ़िया सलाह दी इसके लिए बहुत तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर जी जी थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू नमस्कार